असलम वेलकम बैक टू अनदर अपिसोड ऑफ सीख लें एंड फर्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पांस कि आप मेरी वीडियोज़ को लाइक रहे हो ना सिर्फ एजुकेशनल वर्ड्स बल्कि वो वाली वीडियोज़ जो कि मैं डेली लाइफ में भी बनाता रहता हूँ सो so, इन तमाम चीज़ों के लाइक करने का और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का फर्स्ट ऑफ आल बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि सीख ले इज़ नॉट अबाउट एजुकेशन इज अब द लाइफ स्टाइल तो आज जिस टॉपिक के ऊपर हम लोगों ने बात करनी है तो ये फर्स्ट ईयर का टॉपिक है एंड जैसे ही आपको हमने और टॉपिक के जो टॉपिक है हमारा उसके हेडिंग uh, आपको पता लग गया होगा कि आज हम लोगों ने डिस्कस करना है टॉक सो विदाउट फर्दर वेस्टिंग टाइम लेट जस्ट मूव टू द एनिमेशन एंड आज देखते हैं कि टॉक क्या है वेलकम बैक सो सबसे पहले बेटा टॉक को समझने के लिए हमें फोर्स को समझना बहुत जरूरी है और आपको पता है कि जब भी हम फोर्स के बारे में बात करते हैं तो फोर्स एक ऑब्जेक्ट पे दो तरीके से लग सकती है लेट्स सपोज अगर एक ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पर जो है इमेजिन करता हूँ और इसके ऊपर मैंने फोर्स लगानी है सो so, तो आइर हम इसके ऊपर फोर्स जो है वो एक्स डायरेक्शन में लगा सकते हैं या वाई डायरेक्शन में लगा सकते हैं जिसको ये एक्स या वाई के अलॉन्ग मूव करेगा ऐसी फोर्स जो एक बॉडी को एक स्ट्रेट लाइन पाथ के ऊपर जो है वो मूव करा दे इस तरह की फोर्स को हम लीनियर फोर्स कहते हैं और ये तमाम कॉन्सेप्ट लीनियरिटी के होते हैं सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को फिक्स कर देता हूँ किसी एक पॉइंट से और अब इसके किसी एक दूसरे एंड के ऊपर जो है मैं फोर्स लगाता हूँ तो अब ये बॉडी को मूव तो करेगा लेकिन साथ साथ इसमें ये रोटेशन भी प्रोड्यूस कर रहा है तो ऐसी फोर्स जो कि बॉडी को रोटेट करा रही होती है होती वो भी फोर्स है लेकिन हम उसके लिए एक नई टर्म यूज़ करते हैं एंड दैट इज़ कॉल्ड द टॉर्क सो टॉर्क इज़ बेसिकली द रोटेशनल एनालॉग ऑफ लीनियर फोर्स या टॉर्क इज बेसिकली द रोटेशन इन द बॉडी तो हम इसको इस तरीके से डिफाइन करते हैं लेकिन बुक्स में टॉर्क जिस तरीके से डिफाइन होती है सो दैट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस को समझने के लिए हमें सबसे पहले एक एग्जाम्पल को देखना पड़ेगा आपकी फर्स्ट ईयर की बुक में एक बहुत ज्यादा इजी सी एग्जाम्पल यहाँ पर गिवन है एंड दैट इज़ द नट टाइटन बाय अ स्पेनर अगर मैं एक नट को टाइट करता हूँ एक स्पैनर के साथ जिस तरीके से आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है तो आप जैसे जैसे इसको टाइट करते जाते हैं और तो इसके एक एंड के ऊपर आप फोर्स लगा रहे होते हैं जिसकी वजह से नट के अंदर जो है वो रोटेशनल फ़ोर्स जो है वो प्रोड्यूस होती है और इसमें रोटेशन जो प्रोड्यूस होता है उसको हम टॉक कहते हैं अगर आप गौर से देखें तो हमारा नट एक जगह से फिक्स है जो कि सेंटर है ओ और ये पॉइंट पाइवेटेड पॉइंट कहलाता है यानी कि फ़िक्स पॉइंट और एक दूसरे एंड के ऊपर इसके ऊपर फोर्स लगाई जा रही है अगर आप गौर से देखें तो ये फोर्स और बोर्ड तमाम डिस्टेंस जो कि प्राइवेट पॉइंट से लिया गया है तो ये एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मैं आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ या इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पर बच्चे नोटेशंस का भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है तो अगर आप इसको गौर से देखें तो आपको पता लगेगा कि कहाँ पर आपने एल और कहाँ पर आपने आर यूज़ करना है अगर तो ये सिर्फ एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जिस जिस तरह आप नट को टाइटन uh, कर रहे थे स्पैनर से और आप क्या करते हैं आप स्पैनर से थोड़ा सा टाइट करते हैं उसके बाद बाहर निकालते हैं फिर टाइट करते हैं और बाहर निकालते हैं और इस तरीके से आपका जो नट है वो फिक्स होता है अगर आपके पास ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यूज़ हो रहा है तो आप इसको एल यानी कि मोमेंट आर्म कहेंगे मोमेंट आर्म का वर्ड भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि ये किस तरीके से ड्राइव हुआ लेट्स सपोज मैं आपको अपने आर्म की एग्जांपल देता हूँ माय आर्म इज़ ज्वाइंट फ्रॉम दिस पॉइंट ठीक है जी और ये पारवेट पॉइंट है और अगर मैं एक दूसरे एंड के ऊपर यहाँ पर फोर्स लगाऊँ तो मैं फ़ोर्स लगा के अपने हैंड को जो है अपने पूरी आर्म को जो है वो मूव कर सकता हूँ तो फोर्स मैं लगा रहा हूँ यहाँ पर और मेरा पॉइंट जो फिक्स है आर्म का वो यहाँ पर है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस जो है दैट इज़ कॉल्ड द मोमेंट आर्म और यहीं से मोमेंट आर्म का वर्ड जो है वो निकला है द बेसिक कॉन्सेप्ट आप इसको किसी तरीके से भी ले सकते हैं लेकिन समझने के लिए ये एग्जाम्पल बहुत अच्छी है सो so, अब हम चलते हैं और देखते हैं कि अगर ये मोमेंट आर्म एल है तो ये आर किस तरीके से ड्राइव हुआ अगर आप नट को 360 डिग्री रोटेट कर दें तो आपके पास यहाँ पर एक सर्कल बन रहा है और आपको पता है कि नट एक जगह से फिक्स है और स्पैनर की जो लेंथ है फ्रॉम द सेंटर टू द सर्फेस ऑफ द सर्कल इस लेंथ को हम रेडियस कहते होते हैं तो आप मोमेंट आर्म को एल से भी देख सकते हैं रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप आर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो अब हमारे पास टॉक का फॉमूला जो है वो बन गया एल क्रॉस एफ़ या आर क्रॉस एफ़ टॉर्क को हम एक ग्रीक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं जिसको टी और डब्ल्यू टॉ से जो इसका सेंटेंस से है उस तरह बोला जाता है लेकिन इसको ज़्यादातर जो है वो टॉर्क ही कहते हैं या टॉ कहते हैं तो आपने इसके सिंबल के ऊपर भी अच्छे तरीके से ध्यान देना है अब हम चलते हैं और देखते हैं कि टॉर्क एक रिजिड बॉडी के ऊपर किस तरीके से एक्ट हो रहा है लेट्स सपोज हमारे पास एक रिजिड ओवल बॉडी यहाँ पर पड़ी हुई है और हमने इसको एक पॉइंट से जो है वो फिक्स कर लेना है जिसको मैं ओ पॉइंट कहता हूँ और दूसरे पॉइंट पी के ऊपर हम लोगों ने फोर्स अप्लाई करनी है वो वाला पॉइंट जो कि मैंने फ़िक्स किया है उसको प्राइवेट पॉइंट कहते हैं और वो वाला पॉइंट जहाँ पे मैं फ़ोर्स अप्लाई कर रहा हूँ वो हमारे पास पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है तो आपने वेक्टर्स पढ़े हैं और आपको पोजीशन वेक्टर का पता है तो अब आपको ये भी इसमें कोई मसला नहीं होगा कि अगर आप ये कहें कि आप लोगों ने जीरो से लेकर या ओ पॉइंट से पी पॉइंट तक अगर एक वेक्टर ड्रॉ करना है तो वो पोजीशन वेक्टर आर पोजीशन वेक्टर होता है तो ये आपकी एक लाइन बन गई अब आपके पास जहां पे फोर्स रिप्रेजेंट uh, हो रही है इस फोर्स को हमने इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में जो है वो uh, लिखना है इसको रिजॉल्व कर देना है तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कैसे बनेंगे उसके लिए एक बेसिक एग्जांपल करना बहुत जरूरी है आपको पता है कि अगर आपके पास कोई भी वैक्टर हो उस वैक्टर के दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते हैं ए एक्स एक्स साइड के ऊपर और ए वाई वाई साइड के ऊपर तो यहाँ पर अगर मैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाऊँ तो मुझे स्ट्रेट लाइन नहीं ड्रॉ करनी मुझे मेरा लाइन ऑफ एक्शन ओ पॉइंट से सीधा सीधा जा रहा है तो मेरा एक्स एक्सेज ऐसे डायगनल जाएगा और वाई एक्सेज उसके पर पेंडिकुलर होगा तो यहाँ पर अगर आपको ये एक्सेज समझ में आ गए तो आप फोर्स को ईजिली रिजॉल्व कर सकते हैं इन टू इट्स रेक्टाइलर कंपोनेंट्स नाउ फोर्स का वो वाला पार्ट जो कि एक्स साइड की तरफ प्रोजेक्शन बना रहा होगा शेडो बना रहा होगा वो एफ ऑफ एक्स होगा और आपको पता है एफ़ एक्स के अलोंग जो एंगल होता है वो कॉज ऑफ थीटा होता है जबकि फोर्स का वो वाला प्रोजेक्शन वो वाला साया जो कि वाई साइड के ऊपर बन रहा है ये एफ़ साइन थीटा या एफ़ वाई होगा सो so, आपको यहाँ पर यह भी नज़र आ रहा है कि आपकी जो ओवल शेप बॉडी है ये किस तरफ मूव कर रही है तो ये अलोंग साइन थीटा यानी कि ये वाई के अलोंग मूव कर रही है सो द ओनली कंपोनेंट विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ दिस रिजिड शेप बॉडी इज अलोंग साइन थीटा यही वो कंपोनेंट है जो कि इसको मूव करवा रहा है कॉस थीटा इसमें रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा क्योंकि कॉस थीटा अगर आप गौर से देखें तो ये प्राइवेट पॉइंट से जो है वो गुजर रहा है ये प्राइवेट पॉइंट से पास हो रहा है इसलिए कॉस थीटा का यहाँ पे कोई रोल नहीं है ये बॉडी कॉस थीटा की तरफ नहीं बल्कि साइन थीटा की तरफ मूव कर रही है सो इसलिए अब हमारी ये बात भी प्रूव हो गई कि अगर आप टॉर्क को आर क्रॉस एफ़ या एफ क्रॉस आर लिखते हैं तो इन दोनों के दरमियान का जो प्रोडक्ट होगा ये साइन थीटा ही होगा जिस तरीके से आपने फोर्स को रिजोल्व किया है आप अपने पोजिशन वैक्टर आर को भी रिजोल्व करते हैं इन टू टू कम्पोनेंट्स लेकिन अगर आप किसी एक कंपोनेंट के बारे में यहाँ पर बता देते हो तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो डन हो जाता है फाइनली आपने एंड में इसके यूनिट लिखते हैं यूनिट इज़ वेरी सिंपल आपके पास जो रेडियस है या यानी कि जो डिस्टेंस है जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसका यूनिट आपके पास मीटर है फोर्स का यूनिट आपके पास न्यूटन है तो टॉर्क का यूनिट हमारे पास न्यूटन मीटर हो जाएगा सो दिस इज ऑल अबाउट और तो इसी तरीके से हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है स्टेट so, यूंड इसी तरीके से देखते रहिए इसी तरीके से बने रहिए थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट एंड रिस्पॉन्स टेक केयर हाफिज